देखिए, एक खुशाइंदा कदम है, एक पॉजिटिव है कि जब इतने सालों से हम बार बार इनको कहते थे कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको उनकी चुनिंदा सरकार दी जाए, रोज़ कोई ना तो कोई बहाना बनाया जाता था, लेकिन कल ईसीआई के जो स्टेटमेंट है एक बड़ा पॉजिटिव एक सिग्नल आ रही है। बट हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डेट्स बाहर आ जाएँ और लोगों को उनकी चुनिंदा सरकार दी जाए। नॉर्मली हम तो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें एक फुल स्टेटहुड दिया जाए। जहाँ तक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं एलजी को पावर देने के लिए, प्रॉबेबली वो इसलिए दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ पावर पोस्ट इलेक्शन में जो हो उसके ऊपर बात दे। ये बड़ा अफसोस है कि जहाँ आप एक तरफ लोगों को उनकी हकूक देना चाहते हैं, उनको पावर देना चाहते हैं, वहीं उसी पावर को आप कर्टेल करना चाहते हैं। बहुत अफसोस है, ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी न तो किसी तरीके से पीछे रख रहे हैं। अभी कल का जो स्टेटमेंट है ईसीआई का कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस थी जो इलेक्शन को डिले कर रही थी, तो एक्सटर्नल तो हम समझ सकते हैं। अब जब ईसीआई खुद बोलती है कि इंटरनल, जो हम बार बार 2019 से कहते थे कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं और वो फोर्सेस सबसे बड़ी है बीजेपी जो डरती है यहाँ इलेक्शन करने से, इसका मतलब है ईसीआई भी ये समझती है कि यहाँ फोर्सेस थी जो इलेक्शन नहीं करना चाहती थी। बट हम कोशिश करेंगे कि जो 2019 पे 5 अगस्त से पहले जो जम्मू कश्मीर के पास पावर्स थे वो वापस दिए जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हकूक वापस दिया जाए जितनी भी जल्दी हो सके। हमारी पार्टी से बहुत ही नहायत ही सीनियर लीडर्स नासिर असलम वानी साहब, शमी ओबराय साहब, शौकत मीर साहब, सकीना इतू साहिबा और पीर आफाक साहब गए थे। पार्टी ने उनको चुना था कि हमारे को रिप्रेजेंट करें और बहुत ही एक खुशानदा माहौल में बात हुई। कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जहाँ जो क्लबिंग ऑफ बूथ थे वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था लोगों में, वो रेज़ हुआ। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई जहाँ हर एक को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनको बाज़ाबता बराबर एक प्लेइंग फील्ड हो, उसके ऊपर बात हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, लोगों को उनकी चुनिंदा सरकार मिले, उसके ऊपर हमारी बात हुई।